ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले एक मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, उनके बारे इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। किसानों का पूरा कर्जा माफ़ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ़ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सके। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोज़गार दिलवाएंगे